कंटेंट तो सारा का सारा सीख लिया मैम, लेकिन अभी भी नंबर नहीं आते, क्या करें? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्रेम योर आंसर। आपने अपने दिमाग के अंदर ये सोच लेना है कि कौन कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं अपने आंसर के अंदर। सेकेंड पॉइंट है मार्क्स। आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, 3 नंबर का है या 5 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट है डायग्राम। डायग्राम आप जरूर से जरूर बनाएं अगर आपके पास टाइम है, और डायग्राम की नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि एक डंडी मार के आपने इधर नेमिंग कर दी, एक डंडी मार के आपने इधर नेमिंग कर दी। नेमिंग आपकी पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्पेलिंग एरर। बायो के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, आप ये इंश्योर कीजिए कि सारी की सारी स्पेलिंग आपकी ठीक हो। और फिफ्थ पॉइंट है फ्लो चार्ट। अगर आपके पास टाइम है तो फ्लो चार्ट जरूर से जरूर बनाएं।